हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। इन मतलब आज मैं जो भी आपको बताऊंगी इस टॉपिक में, मतलब इस वीडियो में, वो काफ़ी मतलब आपके लिए यूज़फुल होगा। और डेली लाइफ में मतलब अगर आप लैपटॉप, पीसी या फिर कंप्यूटर यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपका जो लाइफ है बहुत ही कोई भी काम करते हो वो वर्क मतलब ईजिली और जल्दी हो जाएगा। सो एक्चुअली ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि ब्राउज़र में कौन कौन से जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आज हम वही जाने वाले हैं। तो मैंने एक्चुअली इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कि जिस पे थी शॉर्टकट कीज़ पे ही थी एक्चुअली में। तो वो क्या था, वहाँ पे मैंने आपको मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन पे रह के आप कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं जिन्हें यूज़ कर सकते हो, तो उस पे था। और आज हम जानेंगे ब्राउज़र से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं सभी वीडियोज़ मतलब जितने भी सारे शॉर्टकट कीज़ एक साथ कंबाइन करके नहीं बना रही हूँ, मैं सेपरेट करके बना रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए मतलब ईजिली समझने में थोड़ी सी मतलब क्लैरिटी रहे, मतलब क्लियर रहे, ताकि ये इन शॉर्टकट कीज़ को हम ब्राउज़र में यूज़ करेंगे और इनको डेस्कटॉप के स्क्रीन पे इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं मैं अपने प्रोसेस की तरफ। और फटाफट आप कोई भी ब्राउज़र ऑन कर लीजिए और साथ साथ इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिए। और हाँ, पेन और पेपर तो ज़रूर लेके बैठिएगा ताकि आप लोग एक पेन और पेपर पे मतलब ईजिली अपना पेपर पे जो भी शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताऊँगी वो ईजिली नोट कर लीजिए, ताकि आप उसे डेली लाइफ में अगर डेली यूज़ करोगे तो एक्चुअली में हैबिट ज़रूर बन जाएगी। और काफ़ी सिंपल है शॉर्टकट कीज़ है। सो चलते हैं हम, अभी मैंने अभी जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कर लिया अभी एक ब्राउज़र ऑन। सो मैं आपको बता दूं पहले नंबर पे कि अगर आपको करना है हिस्ट्री ऑन अपने किसी भी ब्राउज़र में, तो उसके लिए आप क्या करते होंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे जाते होंगे, यहाँ पे एक हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप क्लिक करके, यानी कि थ्री डॉट्स पे हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे क्लिक करके अपना हिस्ट्री देखते होंगे, जो भी मतलब हिस्ट्री होती है आपकी ब्राउज़र की, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको बता दूं। सो इसके लिए आपको जस्ट प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एच, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल एच करोगे, आपने जो भी सर्च किया होगा, मतलब आज जो भी मतलब आज देख सकते हैं, आज फ्राइडे जुलाई 9, 2021, तो मैंने कुछ ये सब चीज़ें हैं जो सर्च की थी तो वो यहाँ पे आ गई, यानी कि सिर्फ 4 टैब्स ऑन हुए मेरे ब्राउज़र में आज की डेट में। सो अगर आप चाहो तो इन्हें क्लियर भी कर सकते हो। अगर आप इन्हें मतलब क्लियर करना चाहते हो वन बाय वन, अभी तो 4 ही हैं यहाँ पे, तो 1 by 1 ऐसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो क्या करोगे आप, मतलब 1 by 1 तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली एक सेलेक्ट कीजिए और प्रेस कर दीजिए कंट्रोल ए। क्या करना है आपको, सिर्फ एक, मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से क्रॉस करके, सिर्फ एक सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, ठीक है। और डिलीट पर क्लिक करना है यहाँ पर और एंटर कर देना है, या फिर आप मतलब आपके जो कीबोर्ड में डिलीट का होता है ना उसे भी उस पर भी क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं कैंसिल कर दे रही यहाँ पे, ठीक है। अभी देख पा रहे होंगे माउस पॉइंटर यहाँ पे, मैं डिलीट पे नहीं क्लिक कर रही हूँ, वहाँ पे जाकर, ठीक है, डिलीट बटन यूज़ कर रही हूँ और एंटर दबा रही हूँ, ठीक है ना। तो एंटर दबाते ही जो भी ब्राउज़र में हिस्ट्री थी, मतलब यानी कि यहाँ पे हिस्ट्री थी इस ब्राउज़र की, वो डिलीट हो गई। तो मैंने एक्चुअली में आपको अभी बताया 2 शॉर्टकट कीज़, एक था हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड और एक था एक बार में पूरा सेलेक्ट करने वाला। तो मैं आपको बार बार रिमाइंडर देती रहूँगी ताकि आप लोगों को याद रहे ये, ठीक है। अब आप अपने ब्राउज़र में कुछ भी मतलब डाउनलोड किया है और उसे देखना चाहते हैं और फाइल एक्सप्लोरर में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको जस्ट सिंपली आप देखते होंगे यहाँ पे मेन्यू पे जाके डाउनलोड्स पे, ठीक है। तो इसका सिंपल वे है क्या, कंट्रोल जे प्रेस कीजिए और आपने जो भी डाउनलोड किया होगा वो सारा आ जाएगा। मतलब अभी देख सकते हो ये सिर्फ एक ही है जो डाउनलोड में है, और ये सब मैंने बाकी सभी काम की नहीं थी, मैंने उसे कर दिया है सिर्फ डिलीट, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे शो इन फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता होगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो मतलब ये फाइल एक्सप्लोरर में आपको इजीली दिखा देगा, ठीक है। सो इजीली आप मतलब आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे मेरा आ गया है, सो वहाँ से आप इजीली ऑन करके देख सकते हो। सो ये था हमारा मतलब कंट्रोल जी, जिससे हमें पता चलेगा डाउनलोड्स का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, जैसा कि मैंने अभी एक टैब मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे टैब जो हैं ऑन कर रखे हैं, और उनमें से मैंने कोई सा भी गलती से कर दिया ऑफ, मतलब कैंसिल कर दिया गलती से, ठीक है ना। मतलब कई बार हम काम कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे टैब्स ऑन होते हैं और गलती से कोई एक बंद हो जाता है, तो उसके लिए अगर हम उस टैब को दोबारा लाना चाहते हैं कैसे होगा, ये बहुत ही सिंपल है। आप जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट टी, वो जो दोबारा मतलब जो भी टैब क्लोज हुआ होगा वो आ जाएगा। तो मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगी, यूट्यूब का क्लोज कर रहे हैं, और जैसे ही आप अपने स्क्रीन पर प्रेस करोगे, कीबोर्ड पे प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट टी, यूट्यूब मतलब जो भी टैब जो बंद होगा, मतलब जो भी टैब क्लोज हो जाएगा, वो एक्चुअली में दोबारा आ जाएगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
और अगर आपको न्यू टैब चाहिए तो बहुत ही सिंपल होता है न्यू टैब के लिए, मतलब अगर आपको न्यू टैब चाहिए तो कंट्रोल मतलब कुछ लोग तो होते हैं डायरेक्टली प्लस के आइकन पे ऐसे क्लिक करके मतलब लेते हैं, तो आप कीबोर्ड का डायरेक्टली यूज़ करके यूज़ कर सकते हो, यानी कि जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ सब यहाँ पे कोई भी टैब न्यू टैब जो है नहीं ऑन है। अगर आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड पे प्रेस करते हो कंट्रोल टी, जैसे आप कंट्रोल टी दबाओगे तो आ जाएगा न्यू टैब, ठीक है ना। इससे आप इजीली कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी कंट्रोल एन, जो कि कंट्रोल एन जो होता है वो यूज़ होता है विंडो न्यू विंडो के लिए, मतलब अगर आपको करनी है न्यू विंडो ऑन, मतलब ऐसा न्यू विंडो मतलब एक और विंडो है जो ऑन हो जाए इस ब्राउज़र का, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल एन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो बताएं, एक था हमारा कंट्रोल एन और एक था कंट्रोल टी। कंट्रोल टी होता है टैब के लिए न्यू टैब और मीन्स न्यू टैब, और कंट्रोल एन होता है न्यू विंडो के लिए। अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग यानी कि अगर कहूँ तो क्रोम में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है इकोनोजनाइट करके ऐसा कुछ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा ये जो ब्राउज़र मतलब न्यू आई इनको इनकोगनाइटो विंडोज अगर आप मतलब यूज़ करना चाहते हैं तो इसको कैसे यूज़ करें, ठीक है। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है गलत है, सो काफ़ी टाइम मतलब प्रोनाउंसिएशन में मुझे इस वर्ड को प्रॉब्लम आती है, सो प्लीज़ सीरियस मत लीजिएगा इस चीज़ को। सो एक्चुअली अगर मतलब इस जो ब्राउज़र में सिक्योर ब्राउज़र तो वहाँ पे प्राइवेट ब्राउजिंग होता है, तो प्राइवेट ब्राउजिंग मोस्टली लोग उस नेम से जानते हैं, और मुझे मतलब जितना पता है और कुछ रिलेटिव्स हो जितना पता है तो मैं प्राइवेट ब्राउजिंग के नेम से जानती हूँ। सो अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं सो उसके लिए आपको जस्ट अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन याद रखिए। ये जो इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है जैसा कि मैं आपको बताऊं, हो सकता है आप गलती से कंट्रोल शिफ्ट टी दबाओगे, तो कंट्रोल शिफ्ट टी मैंने आपको बताया था वो होता है अगर कोई भी टैब गलती से उसके लिए, और कंट्रोल शिफ्ट एन होता है प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए, ठीक है। और अगर आप मतलब कुछ भी मतलब जैसा कि आपको यहाँ पे ये जो स्क्रीन दिख रही है वो मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आप मतलब यहाँ पे जाके प्रिंट कराते होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे थ्री डॉट्स पे जाके प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके प्रिंट करते होंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से आप ना करके डायरेक्टली कर सकते हो कंट्रोल पी, ठीक है, कंट्रोल पी किया प्रिंट वाला जो विंडो होता है वो ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको प्रिंट का जो ऑप्शन दिख रहा है एक्चुअली में ये जो पेज है पूरा हो जाएगा प्रिंट, ये देख सकते हो पूरा पेज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा पेज जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट अभी मुझे नहीं करना है सो मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है यानी कि FN जो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, इस पर जैसे हम प्रेस करते हैं मतलब बाहर होते हैं किसी ब्राउज़र से और हम FN को प्रेस करते हैं तो आ जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही ब्राउज़र में अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे फाइंड पे जाते होंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम FN का यूज़ नहीं करेंगे, जो कीबोर्ड में जो मतलब की होता है FN वो यूज़ नहीं करके हम यूज़ करेंगे कंट्रोल F, जिससे आप कोई भी कुछ भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिक्योर, अभी यहाँ पे तो इतना ही लिख रहा है दिख रहा है, ब्राउज़र तो खाली है पूरा, यहाँ पर कुछ भी ऑन नहीं है, तो मैं सिक्योर ब्राउज़र ही लिखूँ, तो सिक्योर ब्राउज़र देख सकते हैं हाईलाइट हो गया अभी, ठीक है, हाईलाइट हो गया पूरी तरह से, जहाँ जहाँ लिखा हुआ था ये वहाँ वहाँ हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपको कुछ भी ढूंढना होगा मतलब कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उससे इजीली कंट्रोल F प्रेस करके इजीली ढूंढ सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट शॉर्टकट की मैं आपको इस वीडियो का मतलब लास्ट शॉर्टकट की बताने जा रही हूँ, जो कि ब्राउज़र में यूज़ करते हैं, प्राइवेसी क्लीनर, मतलब जैसा कि मोस्टली लोग क्या करते हैं सेटिंग्स पे जाते हैं, ठीक है, और आगे का जो प्रोसेस होता है वो करता है, ठीक है ना। यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके क्लियर डेटा, क्लियर ब्राउजिंग डेटा और क्लियर डेटा करते हैं, तो उसे आप ना करके क्या यूज़ कर सकते हो, प्राइवेसी क्लीनर, ठीक है ना। प्राइवेसी क्लीनर इसका जो है सिंपल मतलब एक टॉपिश मतलब जस्ट टाइटल नेम है, ठीक है ना, तो ये जस्ट एक मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा क्लियर डेटा ना बोल के प्राइवेसी क्लीनर भी बोलते हैं। सो प्राइवेसी क्लीनर को मतलब डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाके वहाँ जाने की वजह हम डायरेक्टली एक शॉर्टकट की है जिससे यूज़ करके कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ वो जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट आपको प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, वो ब्राउज़र अपने आप ऑन हो जाएगा, वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, ठीक है।
कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। आप सोचेंगे मैंने तो इससे पहले वो टैब ऑन कर लिया था, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से वो आया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं आपको दूसरे में भी दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट जैसे ही करोगे, क्योंकि मैंने इस टाइम में तो किया नहीं था, मतलब इस विंडो में क्या था, जब वो विंडो मैंने क्लोज कर दी थी एक्चुअली, ठीक है ना। तो आप इजीली प्राइवेसी क्लीनर को ऑन कर सकते हो, वो है हमारा शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। सो मोस्टली मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होती हैं जिसे आप इजीली ब्राउजर में यूज़ कर सकते हो, उन्हें मतलब जो जो शॉर्टकट कीज थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आपको कुछ भी ऐसा मतलब शॉर्टकट कीज यहाँ पर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके इजीली पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि इसे हम कैसे शॉर्टकट वे में देख सकते हैं, तो उसके मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक जिसे मतलब शॉर्टकट कीज उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो वो मैं आपको इजीली बता सकती हूँ अगर आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स।